देखिए सर 700 साल मुगलों ने शासन किया 300 साल क्रिश्चियनों ने शासन किया मैं नाच जात में नहीं मानता हूं पर एक हजार साल बाद भी आज 85 हम लोग हैं सनातन क्यों है हमारी जड़ें बहुत मजबूत है आज एक गरीब आदमी भी उसके मोहल्ले में कुत्ते के बच्चे आए नहीं तो वो राब पिलाने जाएगा ये हमारा कल्चर है कोविड आया तो लोग कीट बांटने निकल गए थे ये हमारा कल्चर है तो ये और कहीं नहीं होता है तो सनातन कल्चर में जैसे माँ बाप का रिस्पेक्ट करना जैसे हमारे यहाँ मैरिज हमारे यहाँ डिवोर्स और तलाक नाम का कोई वर्ड एक भी में है नहीं दस साल का आप एक भी धर्म को हमारे यहाँ डिवोर्स जैसा कोई वर्ड ही नहीं है तो ये सारी चीजें जो हमारी कोर्ट थी ये हमें हमें दबा के हमें अंग्रेजी कल्चर दे दिया गया अंग्रेजी बोलो अंग्रेजी भाषा है होशियारी नहीं है साहब इट्स अ लैंग्वेज हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस टाइप का अगला एपिसोड आज हमारे बीच बड़ी खास पर्सनालिटी मौजूद हैं बहुत बड़े बिजनेसमैन मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्पीकर जो लाखों लोगों को इंस्पायर करते हैं अपने इनसाइड से अपनी नॉलेज से सो प्लीज़ वेलकम संजय रावल जी ऑन आर शो तो संजय जी मैं आपके बारे में काफ़ी जानकारी उठा रहा था तो मैंने देखा कि एक छोटी सी जगह से आई थिंक पालनपुर से बिल्कुल छोटे परिवार में पुअर बैकग्राउंड से पैदा होकर के आज इतना बड़ा बिजनेस और इतना बड़ा ख्याति आपने बनाया अगर शॉर्ट में आप अपनी जर्नी बता सकें दर्शकों को हम तो चलते गए कारवा बनता गया आई एम फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली माई फादर वो से टेलर और एक ओटले पर दर्जी की दुकान थी मैं बाय कास्ट ब्राह्मीण हूँ क्या बाय प्रोफेशन दर्जी काम करते थे पर वहाँ से चलते चलते I want to be a doctor. I choose science, but I got फिफ्टी फोर परसेंट तो फिर वो भी फेल हुआ गरीब थे वो पहला फेल्योर फिर ये दूसरा फेल्यूर फिर बी एस सी किया फिर diamond में गया उसमें भी loss किया फिर construction में आया तो ये चलता रहा और कब यहाँ पहुँच गया पता नहीं चला पर जो भी किया best किया जी चाहे कितना भी खराब time था तो भी जो perform कर सकता था उसको बेस्ट किया बस और जो भी है वो भगवान की प्रसादी वो समझ के चलता रहा जब उसने गरीब घर गर में पैदा किया तो रिग्रेट रिगरेट कहेगा उसने लॉस करवाया तो रिग्रेट कहेगा का। हम तो बहुत होशियार हैं नो बड़ी वॉन्ट टू डू ए लॉस पर हो जाता है तो उस टाइम अगर उस पर भरोसा रख के चले तो यहाँ पहुँच सकते हैं वो ऐसा मेरा मानना है तो फिर फिर कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आए उसमें भी पहले बिजनेस में दगा हुआ गलत प्रॉपर्टी मुझे किसने से थमा दिया फिर ब्याज के चक्कर चले ब्याज देने के लिए ब्याज लाते थे सौ सौ चैक्स रिटर्न होते थे टिल नाइनटी थ्री टू टू थाउजेंड फोर मैरिज के एक वीक पहले फादर गुजर गए फिर जब 2001 में थोड़ा सेटल हुआ तो मैं और मेरा भाई था हम दोनों साथ में रहते थे तो मैंने सोचा अहमदाबाद चलते हैं बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं। मैं कंस्ट्रक्शन में अच्छा काम कर रहा था थोड़ा थोड़ा उसी रात मेरा भाई कार एक्सीडेंट में गुजर गया तो ये सब सारी चीज़ें चलती रही उस टाइम भी तीन बच्चे उनके तीन मेरे हम छः बच्चे विथ वी, वी, वी लिव इन ज्वाइंट फैमिली विथ माई मदर तो फिर मैं अहमदाबाद नहीं आया फिर पालनपुर स्ट्रगल किया और जिस गांव में तुम पैदा होते हो जहाँ तुम लॉस करते हो वहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि लोग आपकी क्रेडिट नहीं करेंगे वो जानते कि ये गरीब का बेटा है इसके कोई सपोर्ट नहीं इसने लॉस किया तो नो इज गोइंग टू सपोर्ट यू तो उस टाइम थोड़ा ऐसा लगता था कि सलाह क्या करेंगे पर भगवान पर भरोसा के करते जाओ मेरी माँ बोलती थी कि पिछले जन्म में तो अच्छे कर्म नहीं किए पर इस जन्म में अच्छे कर्म करोगे तो वो पिछले धुल जाएंगे नए काम आ जाएंगे तो करते रहे आई वॉज लिटरली वेटर इन अ होटल फॉर थ्री ईयर्स इन माई लाइफ वैन आई वॉज इन कॉलेज मेरे साथ वाले दो लोग अभी वेटर है और मेरे खुद के दो होटल है तो मैं चार हजार का काम करता था मेरी माँ कहती थी कि अपने बाप का समझ के काम करो है ना नहीं है तो छोड़ दो पर करते हो तो पूरा ईमानदारी से काम करो क्या बात तो है? वो काम करते करते अच्छा हो, होने लगा फिर कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आया उसमें भी अच्छा काम करते करते फिर लाइफ में मेरे पिताजी कहते कि तन और मन अच्छा होता है तो धन आता है तो आई एम फिफ्टी हंड्रेड डिप्स मारता हूँ आज भी हंड्रेड मार क्या है। बात है पूरा जी में मेरा एक्सरसाइज आया गॉन थ्रू मोर देन फाइव थाउजेंड बुक्स मेरे घर से मेरी लाइब्रेरी बड़ी है तो ये दो चीज़ों की वजह से कब कहाँ पहुँच गए पता ही नहीं चला फिर आप जैसे अच्छे लोगों से मिलना जुलना हुआ कि लोग कैसे जीते लोग बोलते मोटिवेशन स्पीकर मैं कोई स्पीकर हूँ नहीं ये तो पता <laughs> नहीं लोग चला दिया

या लोगों ने आपको चीट किया सो so, उस समय आपका क्या माइंड सेट रहा कि जैसे सपोज एक बार आपके साथ में अगर चीटिंग हुई तो क्या उसके बाद लोगों पे ट्रस्ट करने में इश्यूज होते थे या फिर आपने अपने नेचर को वैसा ही रखा नहीं मैं तो करता हूँ मैं तो आज भी मैं आपको जानता नहीं था आपने एक बार इंस्टाग्राम पर मैसेज किया मैंने बोला कि चलो एक अनोल आदमी अपने को तो मैं तो ऐसा ही आदमी हूँ आज मेरे पास पैंतीस लोगों का स्टाफ है मेरी ऑफिस में जो आदमी पैंतीस साल पहले मेरी ऑफिस में आया था वो आज भी मेरे साथ काम करता है और अहमदाबाद में मेरी ऑफिस में जो लड़की सात साल पहले वो भी आज मेरे साथ काम करती है तो मैं वो भरोसा तोड़ना वो उसका काम है भरोसा करना मेरा काम है राइट right. मैं देख लेता हूं कि आदमी अच्छा है अच्छी ईमानदारी से काम करते है। तो मैं ट्रस्ट करता हूं। उन्होंने मेरा ट्रस्ट तोड़ा मैं आपको बता दू मैंने कैडा नहीं चाहता डायमंड में जिस आदमी ने मुझे करोड़ों रूपए का लॉस करवाया था वो आज रोड पर भीख मांग रहा है कंट्री छोड़ के भाग गया है तो कोई स्वर्ग ऊपर नहीं है ये मेरी माँ बोलती बेटा सब यही है राइट

सुबह साढ़े पाँच छः बजे उठ जाता हूँ तो यह चलता रहता है तो ये भगवान की कृपा है ये सक्सेस है कोई पैसा आ जाना पैसा तो ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास पर अच्छी लाइफ जीता हूँ ये हो गया तो वो खराब टाइम में जब ट्रस्ट तोड़ा लोगों ने बहुत इंटरेस्ट लिया बहुत सौ सौ चेक्स रिटर्न होते थे ऐसे दिन आए थे वो डायमंड के लॉस के पर खड़े रह के भाई चलो इसको भी डील करो कबीर ने किया था नरसिंह मेहता ने किया था सरदार पर किसी के पास पैसा नहीं था लोग जीते थे और पैसा सब कुछ पैसे तो हल्के लोगों के पास भी होते हैं तो पैसे कोई बड़ी चीज नहीं है वो तो दारू बेचना चालू करो ड्रग्स बेचना चालू करो आपके पास भी हो जाएंगे नॉट बिग डील तो वो समझ गए कि पैसों की वैल्यू नहीं और पैसा और सेक्स में ताकत होती है तो बहुत और तो छोड़े नहीं होते ये होने चाहिए बेसिक नेसेसरी अच्छे कपड़े चाहिए अच्छी गाड़ी चाहिए पर उसके बाद तो एक लेवल पर मैं मानता हूं कि तो वो बचपन से मेरी माँ बहुत स्पिरिचुअल थी तो उसने हमें हरेक गलत बोले बेटा अपना दो करोड़ का लॉस हो गया तो किसके घर में दो करोड़ का फायदा हुआ है चिंता क्यों करते कल अपने घर में आएगा तो किसी का कम हो जाएगा ये चक्कर है चलते रहते हैं <laughs> तो ये पहले से माइंड सेट हो गया था तो कभी भी डिप्रेशन या हताश ऐसे कुछ हुआ ही नहीं लोग इज्जत नहीं करते थे लोग दस हजार मांगते थे, नहीं देते तो लगता है उसका पैसा नहीं भी थे तो अपने बुरा मानने की क्या जरूरत है आपकी एक बात मैंने देखी थी कि संस्थाएं मजबूत नहीं होती इंसान को मजबूत होना जरूरी है थोड़ा अगर इस बात को आप थोड़ा और समझा सके दर्शकों को जैसे डॉक्टर साहब आप हैं मैं हूँ जितने भी लोग इस फील्ड में काम करते हैं ये कभी इकट्ठा नहीं होते

तो उसमें नाइन्टी फाइव परसेंट मेरे साथ होती है उसको भी लगता है कि क्या करता है क्या चलता है <laughs> तो, तो अच्छा बात एक इंडिविजुअल को इंडिव... मैं यही कहता हूँ right. आजकल लोग व्यसन करते हैं एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ये सारी चीजें मैं मानता हूं कि आ, समाज को मजबूत करने वाली चीज़ है वो करना चाहिए पर अपनी एजुकेशन सिस्टम के बेस में ये चीजें है ही नहीं 2000 बच्चे एक पीटी का टीचर है 2000 हजार बच्चे एक हारमोनियम है 2000 बच्चे हैं स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है अब कहाँ से बच्चे तैयार तो ये मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं ये करूँ तो मेरे घर के बाजू में एक व्यायामशाला थी दस रुपया फीस थी मैं जाता था तब से मुझे आदत पड़ गई हमारे स्कूल में हमारे टीचर थे रोज एक बुक पढ़ने देते थे तो उसके वजह से बुक्स पढ़ने की आदत बन गई तो ये दो चीज़ें आई तो मुझे फायदा हुआ और आज लाखों लोग मुझे जो सुनते हैं वो करते हैं

इंडिविजुअल आदमी को मजबूत होना चाहिए समाज होना नहीं है तो सब नशा सो इंडिविजुअल मजबूत बनाने के और क्या हो सकता है दूसरा मैंने ऐसा सोचा कि मोदी साहब ने जो चीज पर फोकस किया स्किल डेवलपमेंट मैं मानता हूं होल एजुकेशन सिस्टम इज वर्किंग ऑनली टेन परसेंट ऑफ द टोटल अबाउट रेस्ट ऑफ दी परसेंट स्टूडेंट्स आज मुझे कसरत करनी तो जिम में जाना कसरत करने के लिए पैसा चाहिए बुक्स लानी तो पैसा चाहिए अब जब तक आदमी पैसा नहीं कमाता कुछ होने वाला नहीं है तो स्टैंडर्ड के बाद बच्चा पैसा कमाता हो जाए ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए आज आप देखिए पांच कॉमर्स के सब्जेक्ट है पांच साइंस के दस सब्जेक्ट के लिए पंद्रह लाख बच्चे एग्जाम देते हैं तो क्या दस सब्जेक्ट के लिए पंद्रह लाख बच्चे बने वो तो अलग अलग की फिंगरप्रिंट अलग है तो ये सारी चीजें अब जो मोदी साहब नई एजुकेशन पॉलिसी लाई फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर सिक्स स्टैंडर्ड से तय हो जाएगी ये किस काम का है और उसके मुताबिक उसको पर अब स्कूल में उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए स्कूल के अंदर उसके लिए सब वो कब होगा पता नहीं तो मैं पता तो सबको क्या गलत कोई करता नहीं तो मैंने सोचा कि क्या कर सकता हूँ तो आई आइडेंटिफाई टू स्किल्स कि गुजरात में ऐसी 250 स्किल्स है जिसमें आज भी 10-10 बीस बीस हजार बच्चे चाहिए लोग चाहिए मिलते नहीं है तो फिर मैंने आनंद के पास साढ़े छह सौ एकड़ जमीन में एक बहुत बड़ा स्किल सिटी बनाने का सोचा कि एक बच्चा जो लेता तो yes, चाहिए। चाहिए। तो है पैसा तो नहीं है कर सकते हैं तो हमने सोचा ये करें कि इंडिविजुअल मजबूत करने के लिए बच्चे को क्या कर तुझे क्या करना है जैसे मैं स्कूल में तक किसी ने बताया नहीं अगर पहले से आपकी तरफ बन जाता तो आज कहीं पहुंच जाता तो ये तो कोई एक टीचर बुला दिया है कि आप क्यों फ्री जिम चलाते हो हमारे यहाँ बोलो मैं बोला तो लोग खुश हो गए फिर दूसरों ने सुना तीसरे थी। यू करते करते चलता गया आज महीने में बीस दिन में स्कूल कॉलेज में जाता हूँ तो लोग पैसा भी देते <laughs> तो पहले बताया नहीं तो एक बच्चे को जैसे तेंडुलकर है काम ली है स्कूल में बताया कि अच्छे क्रिकेटर है उनको अच्छे कोच के पास भेजा तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिला हमारे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है आज भी जिस हिसाब से हमारा पॉपुलेशन है तो मैंने बोला कि सरकार तो अपना काम कर देगी पर हमारे भी एक देश के लिए मरने वाले तो मर गए पर देश के लिए जीने वाले लोग चाहिए तो जैसे मैं तो मजबूत हो गया मैंने जी लिया आज भगवान बोले चलो तो कोई काम बाकी नहीं है कह चलो भाई कोई रिग्रेट भी नहीं है ऐसा नहीं कि मर जाएंगे तो क्या करेंगे तो ऐसी एक यूनिवर्सिटी में बनाने जा रहा हूं कि हर एक बच्चा मजबूत होकर निकले वो जब बाहर निकले तो उसको क्या करना है वो उसको करने के लिए मिले तो यू जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है वो नहीं होता इसीलिए बच्चे ड्रग्स लेते हैं व्यसन करते हैं कि मुझे करना था वो करने नहीं मिला right. या तो फिर पैसा आ जाता है तो संस्कार नहीं होते हैं तो संस्कार भी तो आज लोग थूकते थे आप नहीं थूकू मैं नहीं थूकूंगा कचरा नहीं वो क्यों करता है क्योंकि उसको बताया नहीं गया है आज लोग घोर्न मारते वही आदमी बाहर जाते है, नहीं मारता है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा हमें इस देश में तो मैं मानता हूँ कि वहां जैसे आज मेरे यहाँ पंद्रह हजार बच्चे का मैंने सोचा है पंद्रह हजार बच्चे हॉस्टल में रहेंगे अट्ठारह घंटा काम करेंगे

जाए वहां वो पहुंच जाएगा तो ये संतोष देर आर फोर्टी थ्री सिविलाइजेशन इन कॉलेप्स दिस इज द सनातन सिविलाइजेशन सर्वाइव इन वर्ल्ड आप देखिए ग्रीक बेबलिन क्योंकि हमारे बेस के अंदर था संतोष से जी आज आपके पास गाड़ी आ गई आप अच्छी रह क्या चाहिए अब भी आप भिखारी बनोगे और एक स्टूडियो बनाऊ और ये करूं और मैं पांच करोड़ लोगों क्या चाहिए क्या करना चाहते हो जैसे कोविड आया लोग बोलते कोविड आ गया सत्या कोविड अच्छे के लिए आया था अच्छा नाइनटीन मतलब हर सौ साल में कोविड आता है सत्रह में आया अट्ठारह में आया 1920 में आया दो हजार बीस में आए बोलते भी फैमिली के साथ बैठो माँ बाप से बातें करो जो दो पांच करोड़ का घर बने उसको एंजॉय करो हम लोग घर में तो बैठते नहीं है तो ये सारी चीजें हम एजुकेशन में ला दें और संतोष के साथ एक आदमी जिए कि भी मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ तो अगले कर्म अच्छे नहीं दिया हुआ हूँ अब मैं अपने को मुझे क्या करना मैं वही करूँगा मेरे, मेरे पिता ने मुझे साइंस ले लो अब मैं साइंस का स्टूडेंट था नहीं पर तो आपने पढ़ाई साइंस में की है पढ़ाई बी केमिस्ट्री आज भी मुझे एन एस वोडियम के पोटे से डॉक्टर के लिए नहीं किया भगवान ने चाहा था कि आदमी आगे जाके उसके पास एक यूनिवर्सिटी बनवाना है तो ये जो समझदारी स्कूल से मिलनी चाहिए आज परसेंटेज नहीं आते तो बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं अरे भाई तुझे इसीलिए लिया नहीं नहीं तुझ किसी और के लिए पैदा हुआ है ये समझदारी आ जाए फिर वो कसरत करे अच्छे बुक्स पढ़े माँ बाप का रिस्पेक्ट करे हमारा जो सनातन कल्चर है दुनिया का बेस्ट कल्चर है प्राउड टू बी ए सनातन इस देश में पैदा होना दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि में मानता हूँ क्या बात और मैं तो मानता हूँ और गुजरात में पैदा होना सला देश आजाद हुआ तो दो गुजराती थे पटेल और गांधी आज भी दो है, <laughs> है? और कल भी दो होंगे एक मैं और एक ढूंढ रहा हूं मैं ये कॉन्फिडेंस वाले गुजराती लोग होते हैं तो लोग क्यों दिमाग खराब करने होगा भगवान ये गाय भैंस कुत्ते सब घूम रहे पिपो पोटे कबूतर तो सब घूम रहे कोई टेंशन में नहीं है हम भी नहीं रहेंगे पर हमें सिखा गया आगे बढ़ो पहला नंबर लाओ टॉप पर जाओ अरे टॉप पे जगह कम है सब नहीं जा सकते हाँ वहां अच्छा <laughs> <laughs> तो तो से अच्छा दिखता है जाओ इतना मजबूत होकर के निकलेगा कि लॉस हो जाएगा लड़की मना करेगी तो वो डिप्रेस नहीं होगा तो और सही तो मतलब स्कूल में से एजुकेशन सिस्टम में बाहर निकलते वक्त उसका पूरा कंडीशनिंग हो जाना चाहिए बेटा ये दिस इज द वर्ल्ड मुझे बताओ ने किसको सुना था कौन से से स्पीकर? <laughs> ये 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 भाई किया और ये किनको सुनते हैं अब वो खुद बन गए तो तो सवाल है है कि आदमी अच्छे कर्म किया, इसलिए तो मनुष्य बना है। उसमें भी फिजिकली कोई हमें तो तो और अच्छे कर्म किए अब अच्छे कर्म करो तो हो जाए। और ये स्कूल में से सिखाओगे तो हर एक आदमी निकलेगा वो बुट पॉलिश करेगा मैंने बुट पॉलिस किया छह महीना पालनपुर बस स्टैंड पर किया तो मैं खुश हो क्या करता था अरे चोरी नहीं कर गलत काम नहीं करता साला गलत किया तो गरीब बने अब अच्छा काम मेहनत करो तो वो किया था फोर व्हीलर नहीं सोच सकते थे <laughs> तो ये समझदारी आ जाए तो इंडिविजुअली आदमी मजबूत होगा तो वो जिस समाज में होगा वो समाज मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा वो जो रेजिलियंस बच्चों के अंदर आएगी वो इसी चीज से आएगी सो सनातन कल्चर की आपने बात की अगर आप कुछ थोड़ा सा उस पर लोगों को गाइड कर सकें बिकॉज आज की यंग जनरेशन काफी हमारे पॉडकास्ट को देखती है तो कई लोगों को आज बहुत दूर हैं इस कल्चर से और आउटडेटेड भी मानते हैं कई लोग तो जो दूर है वो मरेंगे जो आउटडेटेड मानते हैं वो फंसेगे आज पूरी <laughs> दुनिया इस राष्ट्र के सामने देख रही है और अगले दस साल में ये राष्ट्र दुनिया में सबसे टॉप थ्री में जाएगा ये मैं दावे के साथ कहता हूँ जिस तरह से काम हो रहा है सनातन क्या है कोई धर्म नहीं है जो जब आदमी पैदा हुआ इस तब से जो चली आ रही परंपरा देखा दस साल दस पहले से जो हमने कहा है उसमें कुछ मतलब उसके बाद कुछ नया नहीं आया है। मैं आपको एक पी दूंगा साहब देर वे फाइव थाउजेंड इनवेंशन जैसे आप बोलते प्लेन राइट राइट ब्रजल नहीं आप बोलते ग्रेविटेशन न्यूटन गलत बात है मैं आपको श्लोका के साथ नंबर के साथ दूंगा आप देखना कि ये तो हमारे यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है आज सूर्य चंद्र हर एक स्टार के बीच में कितना डिस्टेंस इंच के साथ हमारे यहाँ लिखा है गैलीरियो ने नहीं ढूंढा हम लोग यहां बैठ के देख सकते थे तो हम सिंह के पच्चीस साल शिव के टोले में आ गए घेटों के टोले में आ गए तो हम बोलते हमारे क्या है देखिए सर सात साल मुगलों ने शासन किया तीन साल क्रिश्चनों ने शासन किया नाच जात में नहीं मानता हूं मजबूत है ये हमारा कल्चर है कोविड आया तो लोग कीट बांटने निकल गए थे ये हमारा कल्चर है तो ये और कहीं नहीं होता है तो सनातन कल्चर में जैसे माँ बाप का रिस्पेक्ट करना जैसे हमारे यहाँ मैरिज हमारे यहाँ डिवोर्स और तलाक नाम का कोई वर्ड एक भी में है नहीं दस हजार साल का आप एक भी धर्म ग्रंथि को। कोई वर्ड ही नहीं है तो ये सारी चीजें जो हमारी हमें, हमें दबा के अंग्रेजी कल्चर भाषा है होशियारी नहीं है इट्स लैंग्वेज आज मुझे हिंदी नहीं आती क्या मैं कोई काम का नहीं हूं मैं, मैं अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकता तो मैं कोई काम का नहीं हूँ फर्क क्या पड़ता है अब मुझे अंग्रेजी नहीं आवरत इंग्लिश नहीं आती अरे भाई वो इंग्लिश अंग्रेज को गुजराती नहीं आती मैं, तो हंसने तो लगा में आपको नहीं मुझे नहीं तो मैं क्यों तो सनातन कल्चर में हमें बचपन से सिखाया जाता था सब सात लाख गुरुकुल थे इस देश में अंग्रेजों ने सात लाख गुरुकुल बंद करा के अंग्रेजी कल्चर और कॉन्वेंट स्कूल दाखिल किए सारे स्कूल्स बंद कर दिए देखिए आज भी विदेश के अंदर लोग सात बजे जॉब पर निकल जाते हैं हमारी उन्होंने जॉब का टाइम ग्यारह से पांच का कर दिया स्कूल का टाइम ग्यारह से ताकि बच्चे सुबह उठे ही नहीं पूरा कल्चर एक सिस्टमेटिकली एक हजार साल तक खत्म करने की कोशिश की गई और इसको रिवाइव करने के लिए मोदी साहब कोशिश कर रहे हैं मैं मानता हूं कि एक अच्छा इनिशिएटिव है कि हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई किसी धर्म से संप्रदाय से कोई प्रॉब्लम नहीं पर हमारा जो कल्चर है उसको प्रमोट करना चाहिए और कल्चर क्या था

कर्मयोग अध्याय है अगर ये पढ़ाई हो जाए ना साहब तो एक एक पिस्तौल तैयार हो जाए आदमी <laughs> कोई पढ़ाता नहीं और पढ़ाने वाले लोगों को भी पता नहीं कि इसमें क्या ताकत है वो भी इसको धंधा बना के बैठे हैं कृष्ण को समझाने के लिए अर्जुन चाहिए साहब राइट है तो पहले अर्जुन बनाना पड़ेगा फिर गीता पढ़ाई जाएगी तो बच्चों को पहले उस लेवल पर तो लाओ कि तू यहीं के बच्चा है तो वो कौन लाएगा एजुकेशन सिस्टम और उसके लिए हमारे जो वेद है पुराण है उपनिषद है जैसे बच्चों को ये पता नहीं गीता पहले रामायण पहले हुआ कि महाभारत पहले हुआ पता ही नहीं है उसको ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है पता नहीं है क्यों पता नहीं किसी ने पता नहीं अब इसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता है अब ये तीन वो ही तीन है बहुत लंबा टॉपिक है उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे तो गलत फहमिया हो जाएगी <laughs> पर मैं ये मानता हूं कि हमारे यहाँ जो रजोगुण सत्वगुण तमोगुण था तो ये प्रकृति का आदमी ये करेगा ये ये करेगा पच्चीस साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है शादी नहीं करनी है एजुकेशन लेना है संस्कार लेने हैं फिर पच्चीस साल बाद शादी करके बच्चे पैदा करने हैं उनको बड़े करने पचास साल तक उनका ठिकाना पाड़ो फिर पचास के बाद खुद के लिए जियो बच्चों को बोलो तुम जाओ भाई पचास से पचहत्तर तक अपने लिए जियो और पचहत्तर बाद हिमालय में चले जाओ फिर समाज में बाहर में जाए फिर खुद के लिए जियो ये कौन करता है आज से सत्तर साल का बूढ़ा होगा वो भी बोले ऐसा ना बाजू का खेतर मिल जाए तो अच्छा है <laughs> सब भिखारी है no, मिलता नहीं क्यों लगता है आपको वाई सो मच स्ट्रेस डिप्रेशन सैडनेस इज देयर वाई पीपल आर नॉट हैप्पी मैं Don't आपको बताऊं सर आप और मेरे जैसे लोग जिम्मेवार हैं हम लोग ये बता कि कर सकते हो तू करके दिखा चल आप मैं राठौर साहब नहीं बन सकता हूँ आप मुझे कितना भी तैयार करो आप संजय रावल नहीं बन सकते हो तो ये जो हम नशा सिखा रहे हैं माँ बाप बोलते हैं कि डॉक्टर अब हमारे स्कूल में माँ बाप आते हैं बोले मेरे बच्चे के नाइनटी परसेंट आते थे अब ये दोनों के मिला के एटी नहीं होते उसको नाइन्टी परसेंट चाहिए अरे भाई हर एक आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता हर एक आदमी कलेक्टर नहीं बन सकता हर एक आदमी हर एक चाय बेचने वाला मोदी बनेगा <laughs> मोदी साहब तो एक ही बन सकते राइट right. तो ये जो मोटिवेशनल स्पीकर और सो कॉल धर्मगुरु सो कॉल एडुकेशन सबको बोलते टॉप पे जाओ एम हाई अरे मंगल पे घर बनाना या भाड़ किराए पे नहीं मिलता अहमदाबाद में साहब अब क्या बात करते हो <laughs> तो जरूरी है बेस्ट करना एम हाई करना पर वो नहीं मिले तो क्या ये नहीं है। है। आप बोलते हैं जैसे आप मुझे पांच करोड़ का एक बिजनेस करके दे दिया हमें स्कूल में सिखाते सौ रुपए का माल दो सौ में बेचो तो सौ रूपया फायदा है अब सौ का माल पचास में बिके तो फेलियर कैसे डील करनी है, नहीं उस सिखा है कुछ नहीं और आप बोलते हो कि फेलियर है ही नहीं अरे है भाई उसके साथ जीना है आप बोलते हो पॉजिटिव विचार करो अब नेगेटिव है तो क्या करो धक्का मारू उसको तो हाउ टू डील विद दैट नेगेटिव थॉट्स दैट इज मोर इंपोर्टेंट ट्रू 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 आप ताजमहल बोल के बोलते हो कि जानू आई लव यू पर पहली ना पा रहे तो सुख वो लड़की <laughs> मना करते तो सुख तो ये हमें नहीं सिखाया गया तो मैं मानता हूँ ऐसा होता है तो क्या फेलियर से कैसे डील करें बारे में ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है वो नहीं करता है सब आज आप देखिए बायोग्राफी सब तुम कर सकते हो अब वॉरेन बफेट ने सोचा होगा कि मैं ये लेवल पर पहुंचूंगा ने सोचा होगा कि मैं एप्पल जिस कंपनी से उसको निकाल दिया उस कंपनी में वो वापस आके ये करेगा आपको मानता तो किसी ने वो कोई इसका मेंटर वेंटर नहीं था अपने कर्षन का -का निर्मा वाले जी बालाजी वाले चंदू भाई ये सब भाई धोलक गया सूरत से कल के आए हुए लोग जी है? है। तो हमारी आप और मेरे जैसे लोगों की समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अच्छी बात तो बताए पर गलत में कैसे डील करना है ये भी उनको बताओ

छड़ी नहीं कि तुम ये करोगे तुम्हारी इनकम दस करोड़ का बीस करोड़ हो जाएगा सौ करोड़ हो जाएगा कोई ऐसा हो तो मुझे मिलवा ना मुझे बहुत पैसा चाहिए अब तो ये जो कई लोगों की आदत है स्पेशली आप अगर आजकल के बच्चों में देखें सोशल मीडिया की वजह से जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत है कि सब कुछ इमीडिएटली चाहिए होता है जिसकी वजह से ही लोग आ, ग्रीड ड्रिवन हो जाते हैं कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म थिंकिंग के बजाय सो वॉट्स योर टेक ऑन दैट भगवान बच्चा ऐसे बच्चों को तो बट अगेन जैसे मेरे बच्चे हैं मेरे से भी अच्छे है मैंने कुछ उनको बताया नहीं दे देव देयर ओन थॉट्स आई हैव माय ओन थॉट्स मैंने मेरे बेटे को कभी नहीं कहा तू ये बिजनेस कर तू ये कर नेवर उसने बोला मुझे स्केटिंग में करियर बनाया उसने स्केटिंग तो में बनाया गिर गया नाद गिर गया बोला अब नहीं कर बोला अब टेनिस खेलना है वो नेशनल लेवल चैंपियन हुआ टेनिस में अच्छा जी फिर बोला कि मैं ग्रेजुएट होता बोला ठीक है माँ बाप को यह समझ लेना चाहिए वी आर ट्रस्टी ऑफ आवर चिल्ड्रन वी आर नॉट ऑनर ऑफ आवर चिल्ड्रन भगवान ने हमें दो चार बच्चे दिए हैं संभालने के लिए उनको उनके विचार हैं वो अपनी दुनिया लेके आए हैं हमारा काम है उनको खाली सपोर्ट कर गाइड करना नहीं है हाँ सामने से गाड़ी आती है तो बच्चे को पता है कि हट जाना है हर एक चीज में ऐसा है तो ये बच्चे में जो इसकी इंडिप मतलब स्वतंत्रता जिसको बोलते हैं वो उसको दी दी जाएगी स्वच्छंदता भी आ जाएगी उसका ध्यान रखना माँ बाप का काम है पर मेरी स्वतंत्रता के मुझे क्या करना है वो मैं डिसाइड करूंगा डॉक्टर साहब तकलीफ क्या है मुझे कहाँ पैदा होना मेरे हाथ में नहीं है मेरा नाम क्या रखना मेरे हाथ में नहीं है कौन से माँ चूज करना मेरे हाथ में नहीं है कौन से स्कूल में पढ़ना मेरे हाथ में नहीं है कौन से भगवान की पूजा करना मेरे हाथ में हाथ में है क्या तो बच्चा डिप्रेस होगा पर उस टाइम ये स्पिरिचुअल बातें उसको बताई जाएगी कि बेटा ये पूरी एक दुनिया का पार्ट के हिसाब से तू आया है और तुम्हें अपने काम करते जाना है और ये करते करते भगवान तुझे उस जगह पहुंचा देगा पर वो करने के जो रास्ते है वो एक ही रास्ता है कि जो करो बेस्ट करो भी कम मारा मारी करो तो पहला थप्पड़ अपने ही मारने <laughs> नहीं पर किया तो हम मारेंगे <laughs> आज सूट पहने में घर में भी सूट पहनता आज इंटरव्यू इसलिए पहनते संडे को भी ऐसे तैयार हो जाता हूँ डेली आज आखिरी दिन है जी लो भाई तो मैं बेस्ट करता हूँ चार रुपए की जॉब किया चार का काम किया वो भी बेस्ट किया फिल्म देखने जाता हूँ मैं विसल मारता हूँ पांच सौ रुपया दिया है <laughs> है ना बाजू वाला बोले तू मार खाएगा भाई तू भाग इधर से है ना मैं बेस्ट करता हूँ राइट right. ये जो बच्चे उनको पता नहीं पांच बातें शॉर्ट में बता देता हूं पहला मैं ये मानता कि जो भी करो बेस्ट करो जो भी करो पढ़ाई कर तो बेस्ट करो रिजल्ट कुछ भी आता है रिजल्ट के लिए नहीं गीता क्या बोला करूँ कर हम बोलते हैं पहले फल तय करो फिर कर्म करता हो बच्चे बोलते हैं पहले परसेंटेज आएंगे तो मैं ट्यूशन आऊंगा मैं आऊंगा तो बोला एक लाख दोगे तो मैं इंटरव्यू में आऊंगा अरे भाई तू जा इंटरव्यू दे जो मिलना मिल जाएगा और नहीं देगा तो उसका पूरा होने वाला अपना नहीं होने वाला ये समझदारी आ जाए तो बेस्ट करो जो भी करो एक्सट्रीम बेस्ट आज आपने मुझे दस बजे का टाइम साढ़े दस का आई हैव डन टू थाउजेंड सेवन एक मिनट लेट नहीं पहुंचता हूं दस मिनट पहले मैं नीचे पहुंच जाता हूँ चाहे वो तैयार नहीं हो अपना काम है बेस्ट करना दूसरी है भगवान पर भरोसा सर ये रूम को हम बोल नहीं घुमा सकते ये पूरी पृथ्वी को जो घुमा रहा है जो भी तो एक शक्ति है भगवान कोई व्यक्ति नहीं है पर एक शक्ति है उसके नाम कोई भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो चीज को चला रहा है जो गैंडो को खिला रहा है हाथियों को खिला रहा है नदी में फिश को खिला रहा है वो तुमको और मुझे भी चला रहा है हम कोई स्पेशल नहीं है तो ये उस पर भरोसा आ जाए कि मैं बेस्ट करता जाऊंगा और जो रिजल्ट आएगा मैंने तो डॉक्टर बनने के लिए बहुत कोशिश की नहीं बन पाया तो नहीं बन क्यों पाया कि आज मुझे यहां इंटरव्यू देने आना था

सब बेवकूफ बना चाहे पार्टनर हो टीचर्स हो गुरु हो सब okay. खाली माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा तरक्की करे और उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है अनकंडीशनल लव ये वैलेंटाइन उनके साथ मनाना चाहिए अनकंडीशनल जो प्यार करते हैं अब बच्चों को यही होता डैड हो गया मॉम हो गई अरे पाव छुओं साढ़े पांच बजे माँ के पाव छू के घर से निकलता हुआ और रात को बारह बजे जाता हूँ दाहोद जाऊंगा रात को आऊंगा तो पहले के रूम में जाऊंगा उसके पाव फिर भगवान भगवान तू है भाई बहुत है वो है उसकी गलती नहीं है वो जितने हम सबको बिलीव पर माँ बाप पहले भगवान है और उनके अगेंस्ट जाके कोई काम नहीं करना है ये ये पक्का है और उसकी आंख में अगर आंसू आ गए तो मांगे भी आपका पूरा नहीं होने वाला तो मैं गारंटी के साथ देता सौ लोगों को जानता हूं करोड़पति आज रोड पर आ गए और हम जैसे सौ लोग तो साइकिल लेके घूमते थे आज पूरी दुनिया घूमते हैं तो ये माँ बाप के आशीर्वाद है चौथा है आज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम करियर और कैरेक्टर टेंथ स्टैंडर्ड से बच्चे प्यार में लड़के लड़कियों के चक्कर फिल्में आती हिंदी फिल्में आती पूरी <laughs> सोशल मीडिया आप देख लो तो ये सारी चीजें बच्चे को ये हमारे धर्म के हमारा जीवन साथी तय है उसके लिए टाइम बिगाड़ने की जरूरत नहीं माँ बाप भाई बहन और जीवन साथी दोनों ऊपर से तय होके आते हैं डोंट वेस्ट, वेस्ट योर टाइम लव ब कुछ शादी के बाद लव करने का <laughs> है ना तो ये जीवन साथी तय है तो ये बेसिक चीज है और लास्ट में है कि बहुत छोटी हे हमें सेवा भाव होना चाहिए

एजुकेशन सिस्टम में भी लाने की जरूरत है और कई बार हम एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करते हैं लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है कि घर पे हमें कैसी एजुकेशन मिल रही है दैट इज आल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल सो पेरेंटिंग पे एजुकेशन क्या आपको लगता है इंपॉर्टेंट है मैं अगेन जब तक ये पुर, जुड़े पुराने पेरेंट्स है ये चलता रहेगा जब तक नए पेरेंट्स आएंगे आप मेरे जैसे लोग हम समझ गए हैं मैंने खलीज इबरान को पढ़ा है ना कि वी आर ट्रस्टी तो मैं समझ गया कि मेरे बच्चे हैं

राइट right. तो पेरेंट्स के लिए ये पूरा सिस्टम के उनको कुछ करने दो पांच सब्जेक्ट के लिए बच्चे पैदा नहीं हुए तो ये माँ बाप को भी बहुत बड़ा टॉपिक है कहा, कहा उसको टच करें ट्रू ट्रू पर हो जाएगा मैं बहुत आशावादी करेगा जब बहुत बुरा हो जाता है बहुत ही अच्छा होता है तो भी सत्तर साल में हमने अच्छी तरक्की की है हमें अम्मी कैसे कंपेरिजन उनको तीन तो सौ साल हो गए हमें अभी सत्तर साल हो गए right. तो हो जाएगा तीस साल में तो हम भी उनको यह लाइन में खड़े करेंगे आध्यात्मिकता और रिलीजन स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में आप क्या डिफरेंस देखते हैं बिकॉज कई लोगों को इसके बीच का डिफरेंस नहीं पता और कई बार आप देखते हैं कि कई लोग रिलीजन के नाम पे एक दूसरे को मारने तक तैयार हो जाते हैं वायलेंस तक करने के लिए तैयार हो जाते हैं सो so, आध्यात्मिकता और रिलीजन इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जाए और क्या आप इन साइड जो धर्म मुझे दूसरे से अलग करें ना वो धर्म नहीं होता है जो मुझे जोड़े वो धर्म होता है जो मुझे अलग करे वो धर्म नहीं होता ऐसा मेरा स्ट्रांगली बिलीव है अब आध्यात्मिका, आध्यात्मिका की बात करिए आपने स्पिरिचुअलिटी की कई लोगों को मैं बोलता हूँ पसंद नहीं आता है और मैं एक बात हमेशा एक फेज आया था लाइफ का कि मेरे चप्पल छोड़ दिए थे गाड़ी छोड़ दी थी अच्छा? मुझे लगा कि अब बहुत हो गया ऐसा कोई पैसा वैसा नहीं है मेरे पास और मैं अच्छे से जीता था कुछ रेंट आता था तो मेरा दो टाइम का खाना सब हो जाते तो बैंक का पेमेंट कर दिया कुछ लाइब्रेरीज नहीं रखी मैंने बोला बस बेटियों की शादी की बेटे की हो गई एक बेटी बाकी में बता तो मैंने सब छोड़ दिया फिर मैंने साधु संतों के पीछे घूमना चालू कर दिया अच्छा तो मैं दो साल तक हर एक रिलीजन जैन हिंदू मुस्लिम सब लोगों के पीछे घूमता था उनके पास जाके बैठता था चर्चाएं करता था बातें करता मुझे बोला गया हाँ अब लाइफ में क्या है आपने तो अचीव कर लिया जो मरसे तक घूम लिया बहुत हो गया अब नहीं चाहिए अब सिंपल लाइफ जी पर जब बहुत सारे लोगों के पास में घूमा सेवेंटी तो परसेंट लोगों के पास घूम के मैंने एक जिसको बोलते ना वो निकाला कि आश्रम बना के उसमें संसार खड़ा करना उसके बजाय संसार में ही आश्रम की तरह जीना ये स्पिरिचुअलिटी है सो so आश्रम बना के वहां भी आपको इनोवा चाहिए वहां ए ऑफिस चाहिए ऐसे सोफा चाहिए है ना नीट एंड क्लीन बेस्टेड चाहिए कॉर्पोरेट की, की तरह तो आश्रम तुमको भी 2000 फॉलोअर्स चाहिए हमको भी चाहिए मिले

वो पामोलिन तेल लाता सला धुआं निकलता था घर में दो प्राइमस थे तो ये सारी चीजें देखी हमने तो हमने बोला हमारा नसीब फूटेला कोई सपोर्ट नहीं करता क्या मैंने? पर मां बाप ने जो स्पिरिचुअल धर्म नहीं सिखाया, आध्यात्मिकता सिखाई ट्रू तो धर्म क्या है एक आडम्बर बन गया तीन सौ धर्म है साहब तीन हजार संप्रदाय कहा जाऊ मोहम्मद पैगम्बर ने एक इस्लाम बनाया साले बहते फिर के बना दिए चिया सुनने से लगा के वहां भी है सही है धर्म है टोले इकट्ठा करो फॉलोअर्स बनाओ ये धर्म है आज बन गया है आध्यात्मिकता है कि एक आदमी कैसे भी टाइम में निकल जाए बाहर ये आध्यात्मिकता सिखा सकती हो और आध्यात्मिक लोगों के टोले नहीं होते धार्मिक लोगों के टोले होते आप देखिए सर धार्मिक लोगों ने जितना नुकसान किया है इतना अधार्मिक लोगों ने नहीं किया है धार्मिक लोगों ने मस्जिदें जलाई मंदिरें जलाए और धार्मिक लोग तो सर आप पिएगा सिगरेट पिया और कुछ नहीं ये हो गया है धर्म जरूरी धर्म आज मुझे धर्म है मेरे अंदर तो मैं यहां बैठा हूँ स्पिरिचुअलिटी की बात है तो उसमें से क्या सीखना है मैं आज इस्लाम से भी सीख सकता हूँ बुक्स ऊपर चौपड़ा लखे मुस्लिम है का तो तेरे दोनों कंधों दो फरिश्ते बैठे कौन मानता कौन मानता है मैं तो मानता हूँ हिंदू तो भी वो चीज मानता हूँ कुरान की कि भाई यही लिखा है तो गलत कुछ करता है नहीं और गलत की डेफिनेशन मैं तय करूंगा कोई नहीं करेगा पर जो दिखावा हम करते हैं वो गलत है और जो हम जीते है वो आध्यात्मिक वो दिखाने की जरूरत नहीं वो मेरी पर्सनल चीज है मेरी पर्सनल असेट है ये जो लोग कहते हैं कि अगर आप आध्यात्मिकता तो के रास्ते में है तो आपका गुरु होना जरूरी है इसमें आप कितना मानते हैं आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस इसमें जीसस क्राइस्ट के कौन गुरु थे मोहम्मद पैगंबर के कौन गुरु थे राइट right. मावी स्वामी के कौन गुरु थे बौद्ध के कौन गुरु थे गुरु जरूरी है गुरु हमें रास्ता दिखाता है मैं उसका विरोधी नहीं पर गुरु होना ही चाहिए वो बात गलत है और गुरु वो होता है जो तुम्हें टोले में जोड़े नहीं टोले से अलग करे वो गुरु होता है यस सही गुरु को आइडेंटिफाई करना जरूरी है जो तुम्हें टोले में जोड़े नहीं क्राउडेड करे वो तु... गुरु नहीं होता है जो क्राउड से अलग करे तू अल अलग है तू अलग है, वो गुरु होता है तो गुरु हो ना मेरी लाइफ में बहुत गुरु थे स्कूल से लगा के दस बारह जो हमारे टीचर थे वो मेरे गुरु है मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी गुरु है आप मेरे गुरु हो जो भी हर एक आदमी से मैं सीखता हूँ हर एक आदमी से जो सीखने बोले मेरा गुरु है पर वो अब हाँ गुरु देवो भव इसका मतलब ये नहीं कि एक ही गुरु होता है शंकराचार्य के कितने सारे गुरु थे तो ये पूरा बहुत एक बच्चा ही गुरु हो जाता है बेल्कुल, उसको पता नहीं वो में वो बड़ी बात सिखा, बात सिखा जाता है बहुत बड़ी बात सीखा जाता है बहुत बड़ी बात की दो मिनट लड़ता है और अगले ही पल और हम लोग कई बार लड़ाई को महीनों दर महीनों Right. बोलना नहीं तू राइट डू यू थिंक इज द वर्पज ऑफ लाइफ जस्ट लीव खाने की इच्छा हुआ के आ जाओ अगर पैसा है तो चोरी करके नहीं खा कल था वो कल है परसों है वो परसों दो कल और परसों के बीच में जो आज है इसको जो आदमी जीता है जी मैं जो जब गरीब था कुछ भी नहीं था तब भी मैं ऐसा ही था जब सौ सौ चैक्स रिटर्न होते थे मैं कोर्ट में खड़ा रहता तभी मैं वही था आज मैं बहुत अच्छी तरह जीता हूँ तो मैं भी वही हूँ तो ये पर्पज ऑफ लाइफ है कि भगवान तू जहां ले जाए जो भी कराए मैं उसमें खुश हूं सर भाई का मर जाना बाप का मर जाना लॉस भगवान कोई दुश्मन को नहीं दे इतना खराब वक्त मैंने देखा है पर तब भी मेरी मां बोलती बोला भगवान जी करे सारा माटे ये समझदारी ये पर्पज ऑफ लाइफ है और ये नहीं होते तो बोले नसीब फुटेला छे लाइफ में मजे नहीं है हम रिग्रेट करते नेवर रिग्रेट फॉर एनीथिंग इन लाइफ वॉट एवर लीव कल जो होना है हो जाएगा मैं तो मैं तो बोलता हूँ डायरी बनाओ आज क्या करना है कल के जैसे मुझे आपके यहाँ नहीं आना था आपको अट्ठाईस तो क्या है मेरे हाथ में क्या है मुझे कल यहाँ आना था आपको कल मुंबई जाना है कल मुझे पालमपुर एक काम से जाना है तो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं ये हवा जल्दी निकल जानी चाहिए तो पर्पज ऑफ लाइफ पता चल जस्ट लीव कबीर के पास क्या पैसा था नरसिंह मेहता के पास क्या पैसा था तो पैसा ये सब सक्सेस नहीं है खाली आदमी जिए बस और साला 200 साल जीना है 100 साल जीते और 100 साल बाद लोग याद करें लवली बाकी पांच हजार करोड़ रुपए होंगे साहब को गए याद भी नहीं करेगा <laughs> बहुत अहमदाबाद में पचास लोग कोई जानता भी नहीं है सही बात है पर आप क्या देखे जाते हो जो इंपैक्ट आप क्रिएट कर इंपैक्ट और कुछ ऐसा काम करके जाओ कि सदियों तक लोग याद करें अचानक को क्यों याद करते हैं गांधी को क्यों याद करते हैं सरदार पटेल को क्यों याद करते हैं

आज को जी लो गुजराती में बोलूंगा तो आज आवे पर तो वट देखो पैसे कमाओ मजी मस्ती करो मस्त करो बेस्ट करो ईश्वर मानी ऐश्वर्य और ऐश्वर्य मानी बेस्ट जब तुम सब कुछ बेस्ट करते हो तो वो शक्ति समझ जाती है कि ये मेरी ओरिजिनल नॉट है अब इसको दो दैट इज कॉल्ड लक थैंक यू सो मच संजय जी इतने बोल्ड आइडियाज एज यूजल जो आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं बड़ा मजा आया कॉन्वर्सेशन में ना विल मूव टू द रैपिड फायर इंस्टेंट मूड को बूस्ट करने के लिए आप क्या करते हैं घूमने चला जाता हूँ लॉन्ग ड्राइव ऐसी कौन सी डेली हैबिट है जो आपके दिन को बहुत ज्यादा पॉजिटिव बनाती है एक्सरसाइज एक्सरसाइज में आप जिम करते हैं योगा जी मतलब

अपने यंगर सेल्फ को अगर कोई आप मैसेज देना चाहें आज तो क्या मैसेज देंगे मेहनत मेहनत करो और बेस्ट एंड ट्रस्ट गॉड ही विल गिव यू इन लाइफ आपकी फेवरेट फेलियर क्या है जो आपको एक इनवेल्यूएल लेसन लगती है लाइफ में पैसों की कमी नेगेटिव इमोशन को छोड़ने का सबसे आसान तरीका क्या है छोड़ना ही नहीं है नेगेटिव आया तो वो चला जाएगा ये वक्त भी गुजर जाएगा

<laughs> तो ये लंबा चल <laughs> <दैस्टार। laughs> बहुत अच्छा टिप दे दिया आपने अगर आप टाइम ट्रेवल कर सकते तो आप कहाँ जाना पसंद करते मेरा भाई जो गुजर गया और पिताजी उनके साथ में नहीं रहा right. तो वो होते तो बहुत अच्छा अगर आपको कोई सुपर पावर मिल जाए तो आप अपने जीवन में क्या बदलना चाहेंगे मैं हर एक स्टेट में एक स्किल यूनिवर्सिटी बनाऊंगा वाह जहां हर एक बच्चे को जो करना है वो करने मिले ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊंगा ताकि हर एक बच्चा जो करना चाहता है वो करे आपके अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्स क्या है मैं मानता स्पिरिचुअलिटी लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए कौन से दो स्किल सबसे ज्यादा जरूरी है फिजिकल फिट होना चाहिए आदमी राइट right. पेट बार नहीं होना चाहिए और बहुत सारा पैसा होना चाहिए ये स्किल ये दो है तो सब कुछ है ऐसा मैं मानता हूं स्किल इसको कहो या क्या कहो मुझे नहीं पता हम स्किल होगी तो ही पैसा आने वाला है अल्टीमेटली ज्यादातर लोगों को लाइफ में सक्सेसफुल होने से क्या रोकता है अपने आप की थॉट इल्यूशन करके एक बुक है रिचार बाग की उसमें कि यू कैन क्रॉस द वॉल बट यू कार्ड बिकॉज यू बिलीव दिस इज वॉल जब मैं होटल में वेटर था तो मुझे पता नहीं था कि मेरी खुद के दो होटल होंगे है ना मैं साइकिल लेके घूमता था पंक्चर मुझे मैं भगवान को देन, देने बैठे, हम भिखारी आगे नहीं कर सकता हूँ तो मैं ये नहीं कहता सब कुछ छोड़ के बैठ जाऊच पर मैं बैस करता रहूंगा पर परिणाम कुछ भी हो, मैं अपनी मेहनत नहीं छोड़ूंगा संजय जी बहुत मजा आया बहुत ही ऑनेस्ट आंसर आपने दिए कुछ शुगर कोटेड कुछ नहीं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड आई एम श्योर दैट ऑडियंस इज गोइंग टू लव एंड ये जो इनर वेलनेस पे हमने ये शो चालू किया आपके कुछ व्यूज अगर आप कहें कि कितनी जरूरत है इसकी अगर आप कुछ कह सकें तो मैं देखो पांच करोड़ की गाड़ी लाओ ना तो डीजल फ्यूल तो डलवाना पड़ेगा राइट right. आदमी कैसा भी पैसा कमा ले अल्टीमेटली जब पैसा कमाता है बहुत सबका तो आदमी अपने आप से दूर हो जाता है और वो डिसकनेक्ट हो जाता है अपने रूट से और ऐसे शो और जो भी स्पिरिचुअल गुरुज है बहुत सारे अपने देश में बहुत अच्छे संत हैं बहुत अच्छे साधु संत औलिया फकीर हैं जो लोग हमें बार बार पर हमें समझाते सिखाते कि ये याद रखो ये याद रखो ये हमारी वैल्यूज है तो ये ऐसे शो होने चाहिए ऐसी बातें लोगों तक लोग सुने ना सुने वो हमारा काम नहीं हमारा घोड़े को घास तक लाना काम है घास right. खाना नहीं खाना घोड़े का काम है right. सोशल मीडिया नहीं होते तो आप और मुझ लोगों जैसे लोगों को कोई जानता नहीं होगा एक छोटे गांव से आया संजय रावल को कोई पहचानता नहीं होगा ट्रू है 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 ना तो तो भी जरूरी है। अब इसके माइनस पॉइंट कि आप घंटे उसमें चले जाओ तो ऐसी बातें हमें अपने आप से जोड़ती है और ऐसी बातें हम जैसे लोगों को बार बार लोगों को बतानी चाहिए क्योंकि तो भूल जाते हैं बच्चे तो उनको दिलाना याद दिलाना चाहिए पर इतनी बातें बतानी चाहिए जो हम करते हो राइट right. एडवाइस मत दो करके दिखाओ